हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से नया नाश्ता लेके आए हैं जिसको बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। तो कम समय में आप इसे झटपट रेडी कर सकते हो। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इसे जरूर घर पर ट्राई करें। तो ये हमने लिया है हाफ कप चावल का आटा। चावल का आटा ना मार्केट में इजिली मिल जाता है और चाहे तो आप घर पर भी पीस सकते हो चावल को। तो इसे हम एक बोल में शिफ्ट करेंगे। 1/4 कप इसमें हम ऐड कर देंगे गेहूं का आटा। तो आपको ना क्वांटिटी इस तरीके से लेनी है, किसी भी एक बर्तन से ले लीजिए। अगर आप आधा कप चावल का आटा ले रहे हैं तो 1/4 कप गेहूं का आटा ले, और अगर आप 1 कप चावल का आटा ले रहे हैं तो फिर आपको आधा कप गेहूं का आटा लेना है। बस इस क्वांटिटी को आप ध्यान में रख लीजिए। 1 चुटकी इसमें हम ऐड करेंगे हींग, डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। 1/4 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। हाफ बारीक कट की हुई प्याज इसमें ऐड करेंगे। अगर मीडियम साइज की है तो आप एक ले सकते हो, बड़ी साइज की थी इसलिए हमने हाफ ली है। 1 बड़ा चम्मच बारीक कट किया हुआ शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। 1 बारीक कट की हुई हरी मिर्च, तीखा जितना भी खाते हो ना अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। थोड़ा फ्रेश धनिया इसमें ऐड कर देंगे। धनिया की जगह पे आप चाहें तो कड़ी पत्ता भी कट करके डाल सकते हो। 1/4 चम्मच ऐड करेंगे साबुत जीरा, जीरे का भी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और पेट के लिए ठंडा रहता है। 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर, चटपटे टेस्ट के लिए 1/4 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला। 1/4 चम्मच डालेंगे सफेद तेल, इससे नाश्ता देखने में भी अच्छा लगेगा और इसका जो क्रंचीनेस आता है मुंह में वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर लहसुन नहीं खाते हो ना तो सिर्फ अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो या फिर अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो ये 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इसे मिक्स करते जाना है इस तरीके से। तो जिस कप से हमने आटा लिया है ना उसी कप से हम पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पानी की क्वांटिटी भी एकदम बराबर रहे। तो आप भी किसी एक बर्तन को ले लीजिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट बन भी जाता है। तो ना आप इसे ट्राई जरूर करें। अगर रेसिपी आपको जरा सी पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक जरूर करें जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसमें हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है। ये थोड़ा पानी हमने और लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। कंसिस्टेंसी आपको आगे बताते हैं, पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी गुठली या लम्स नहीं रहने चाहिए। तो अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसे हम ढककर रेस्ट पर रख देंगे। कंसिस्टेंसी आपको आगे चेक कराते हैं, अब तक आग की तैयारी कर लेते हैं। हम एक बोल में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे नाश्ते का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, सिर्फ 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें हम तेल। तेल इसमें ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। साफ हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें ना कुछ ज्यादा कोई मोइन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए तेल डालने की बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटा तैयार करेंगे। आटा किस तरीके से चाहिए आगे दिखाते हैं आपको। पहले हम आटा रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता ना, तो ये नाश्ता आप एकदम झटपट बना सकते हो। या फिर अगर आपको पहले से ही पता है मेहमान आने वाले हैं तब भी इसको झटपट रेडी कर सकते हो। अगर छोटी मोटी भूख लगी है तब भी इसको फटाफट से बना के खा सकते हो। हल्का सा इसमें हम गूंदी भी लगा लेंगे। गूंदी लगाते हुए थोड़ा सा आटे को तैयार करेंगे। तो ये आटे को ना हमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं रखना है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं कर देना है। थोड़ा सा मीडियम डो ही हमें इसका तैयार करना है, देख सकते हो। बस इस तरीके का कुछ होना चाहिए। तो इसे हम ढककर एक साइड रख देंगे और आगे तैयार कर लेंगे। अब ये हमने एक उबला हुआ आलू लिया है। आलू को हमने पहले से उबाल कर रख लिया था और इसे ठंडा कर लिया है। आलू ठंडा करके ही लेना है। तो अगर आपको पहले से पता है ना नाश्ता बनाना है आपको, तो आप है ना पहले से आलू को उबाल कर रख सकते हो। तो बस ये आलू को हम पूरा छील लेंगे। अभी हमने बारीक वाला कद्दूकस लिया है, इससे हमें ना आलू को कद्दूकस कर लेना है जिससे कि आलू हमारे अच्छे से मैश हो जाए। आप चाहे तो फॉक चम्मच से या हाथ से भी इसको मैश कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है कि इसमें मोटी सी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। तो बस ये पूरे आलू को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बारीक कट की हुई हरी मिर्च, थोड़ा फ्रेश धनिया, 1 छोटी साइज की बारीक कट की हुई प्याज। प्याज अगर नहीं खाते हो ना तो स्किप कर सकते हो।
थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। इसकी जगह पे आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी तीखा जितना आप खाते हो ना उतना ले सकते हो। एक चौथाई चम्मच डाल देंगे इसमें हम सौफ खट्टे से ना नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है, अगर है तो जरूर डालें। चटपटे टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला। एक चुटकी डालेंगे इसमें हम हींग से डाइजेशन अच्छा रहता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। दो चुटकी गरम मसाला पाउडर, तो चम्मच से ना हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे इसमें हमने अभी नमक ऐड नहीं किया है, तो नमक अभी हमें इसमें ऐड नहीं करना है, और भी कुछ चीज ऐड करनी है लेकिन वो बाद में ऐड करेंगे। तो बहुत ही ना जल्दी ये स्टफिंग बन जाती है, इसको कोई पकाने के झंझट नहीं है, एकदम तुरंत ही रेडी हो जाती है। देखा आपने खुद ही कितनी आसानी से और कितनी चटपट ये स्टफिंग हमारी बनकर रेडी हो गई। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, इसको एक साइड रख देंगे और आगे तैयारी करेंगे। अब एक बर्तन में हम ले लेंगे दो चम्मच मैदा, मैदे की जगह पे आप है ना गेहूं का आटा भी ले सकते हो। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा फ्रेश धनिया, थोड़ी सी सफेद तिल डाल देंगे, इसे नाश्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको हमें मिक्स कर लेना है। अब पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए ना इसकी स्लरी रेडी करेंगे। एक साथ ज्यादा मात्रा में पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और अच्छे से इसे मिक्स करते जाना है। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देते हैं, इस तरीके की पोलिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना है और एकदम पतला भी नहीं कर देना है। तो बस इसे एक साइड रख देंगे। तो फ्रेंड्स, नाश्ते के लिए हम एक मजेदार चटनी बनाएंगे, क्योंकि नाश्ते के साथ चटनी हो तो उसके स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल लिया है, ज्यादा तेल नहीं लेना है हमें। हम डालेंगे तीन लाल सूखी मिर्च, ये छोटी छोटी है तो मैंने तीन ली है, हाफ प्याज, दो लहसुन की कली। फ्रेंड्स, अगर प्याज नहीं खाना पसंद करते हो तो प्याज को आप हटा देना, फिर भी चटनी हमारी अच्छी बनेगी। आधा इंच अदरक, हाफ लिए मैंने शिमला मिर्च, इससे हमारी चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक चौथाई चम्मच डालेंगे साबुत जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, एक छोटी साइज का मैंने टमाटर लिया है। तो सभी चीजों को हमें इसमें फ्राई कर लेना है, और गैस को मैंने लो पे रखा है फ्रेंड्स, हाई पे बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हमारे क्या है सारी सब्जियां जल जाएगी। धीरे धीरे इसे फ्राई करेंगे सॉफ्ट होने तक। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि चटनी में शिमला मिर्च डालिए पता नहीं कैसी लगती है, लेकिन शिमला मिर्च से चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, एक बार जरूर इसे ट्राई करना। अगर आपके पास गाजर हो तो एक छोटा सा पीस गाजर का भी डाल देना, मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना इस चटनी को। जब ट्राई नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कितनी अच्छी चटनी बनती है। आपने कई तरीके की चटनी खाई होगी, लेकिन एक बार इस चटनी को जरूर बना के खाना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये चटनी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे थोड़ी देर अच्छे से पका लिया है लो पे, देख सकते हो ये सब्जी हमारी सॉफ्ट भी हो गई है और पक भी गई है। सब्जी आपकी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, तो गैस को हम बंद कर देंगे, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मिक्सर जार लिया है, ये हमारी सभी चीजें ठंडी हो गई है, अच्छे से ठंडा करके आपको पीसना है, गरम गरम बिल्कुल भी मत डालना। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी, चीनी जरूर डालना तभी ये चटनी अच्छी लगेगी। थोड़ा सा पानी डाल के पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी को मैंने पीस लिया है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, इसे हम एक कटोरी में निकालेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी और स्वादिष्ट चटनी बनके रेडी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। इसमें आपको कोई भी छोक लगाने की जरूरत नहीं है, तड़का नहीं लगाना है, ऐसे ही खाना है। इस चटनी को आप ज्यादा बना के एक कंटेनर डिब्बे में भर के रख सकते हो, ये लंबे समय तक खराब नहीं होगी जैसे हम सॉस वगैरह रखते उस तरीके से। और फ्रेंड्स, इस चटनी को आप अगर बच्चे को रोटी में भी लगा दोगे ना तो भी रोटी ज्यादा खा जाएगा, इतनी टेस्टी बनती है। अब ये जो हमारी स्टफिंग है ना, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। एक चम्मच ऐड करेंगे रेड चिली सॉस, इसकी जगह पे आप चाहे तो टोमेटो केचप ले सकते हो, सेजवान सॉस ले सकते हो, अगर आपके पास कोई घर की होममेड चटनी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से स्टफिंग में सॉस ऐड करने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नमक है ना बाद में इसलिए ऐड किया है क्योंकि प्याज और आलू दोनों का अपना मॉइस्चर होता है, तो पानी रिलीज ना कर देना, इसीलिए पहले नमक ऐड नहीं किया है, नहीं तो हमारी जो स्टफिंग है ना वो बहुत ज्यादा स्टिकी सी हो जाती। तो बस अच्छे से मिक्स कर लिया है, स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। तो ये जो आटा है ना हमारा, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे,
थोड़ा सा तेल लगाने से क्या है, आटा एकदम से अच्छे से सॉफ्ट सा हो जाता है, यानी कि एकदम मुलायम सा हो जाता है। और अब हमें ना गूंदी लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसको अच्छे से इस तरीके से मसल लेंगे। तो ये पूरे आटे की हम एक लोई ले लेंगे, बड़ा सा गोला ले लेंगे इस तरीके से। तो ये आटे को हमने ले लिया है सूखा आटा लगा के, और इसे हमें बेलना है, बड़ी सी रोटी की तरह इसको बेलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नाश्ता ना बहुत ही जल्दी बनता है, खाने में टेस्टी बहुत ही लगता है, एकदम नए तरीके का नाश्ता है। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पर क्लिक ज़रूर करें। तो देखिए बस इस तरीके से बड़ी सी रोटी की तरह बेल लिया है, और इतना हमने पतला इसको बेला है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कर देना है। अब जो हमने स्टफिंग बनाई है ना, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो फॉर्क की हेल्प से अच्छे से इसको फैला देंगे, किनारों के छोड़ते हुए ही इसे फैलाना है अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा किनारों को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही छोड़ना है, और इसी तरीके से सभी साइड से हमें फैला देना है। तो इसको हमने सभी साइड अच्छे से फैला दिया है। अब इसको हमें रोल करना है, तो इस तरीके से ना टाइट रोल हमें रेडी करना है। बहुत ही आसानी से हो जाता है, टाइम नहीं लगता है, ये देखिए बिल्कुल आसानी से हो रहा है ना। तो बस इस तरीके से रोल कर लेना है, किनारों को ना इस तरीके से चिपका देना है, और दोबारा इस तरीके से थोड़ा रोल कर लेंगे जिससे कि किनारे अच्छे से इसमें दब जाए। अब नाइफ की हेल्प से ना हम इसे कट करेंगे, तो इस तरीके से हाफ हाफ इंच में इसको हम कट कर लेंगे। पीसेस है ना, अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज में आप कट कर सकते हो, जितना भी आप साइज में इसको बनाना चाहते हो। तो देखिए इस तरीके से एक पीस को हमें लेना है और इसे दबा देना है, बस इस तरीके से, बहुत ही आसानी से हो जाता है। सभी पीसेस को इस तरीके से कर लेंगे, बस लेना है हल्का से इस तरीके से करना है और प्रेस कर देना है। तेल को हमने गर्म कर लिया है, ये जो स्लेरी है ना हमारी, उसको हम एक बार इस तरीके से चला लेंगे। एक पीस को लेंगे, इसमें डिप करेंगे, अच्छे से इस तरीके से कोट कर लेना है। इस तरीके से ना हम फॉर्क की हेल्प से इसको तेल में डालेंगे, देखिए तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। सभी को इसी तरीके से हमें डिप करते जाना है और तेल में डालते जाना है। तो एक बार में जितने पीसेस आएंगे ना, उतना हम डाल देंगे, और जितने चौड़े साइज का आपका बर्तन होगा उतने पीसेस एक साथ आ जाएंगे। गैस की फ्लेम को ना अभी हमने मीडियम पे ही रखा है, तेल को अच्छे से गर्म किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा खौलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए, और ठंडा तेल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी देर ना हम इसे फ्राई होने देंगे। गैस की फ्लेम को अभी हमने मीडियम पे रखा है, ऊपर से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे जिससे कि ऊपर से भी कुकिंग होती रहे। तो थोड़ी देर के बाद अब इसे हम पलट देंगे, बिल्कुल सावधानी से पलटना है। तो देखिए एक साइड से थोड़ा थोड़ा फ्राई होना स्टार्ट हो गए है, तो इसे ना हमें इसी तरीके से अलटते पलटते फ्राई करना है। अब है ना गैस की फ्लेम को हम कर देंगे लो मीडियम से हल्का से ज़्यादा, और इसे हमें लो मीडियम से हल्के से ज़्यादा में ही फ्राई करना है ताकि ये प्रॉपर अच्छे से हमारे क्रिस्पी फ्राई हो। तो बस इसको हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है, और देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस इतना ही इसे हमें फ्राई करना है, तेल से इसे बाहर निकाल देंगे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देख के पता चलेगा कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो ये हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है, आपको दिखा देते हैं कितना अच्छे से क्रिस्पी बना है ना, एकदम क्रिस्पी। तो इसे आप किसी भी सॉस या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब जो हमारा बैटर है उसको हम चेक कर लेंगे। तो देखिए बैटर भी थोड़ा फूल गया है, इतना गाढ़ा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इतना थिक ये होना चाहिए। तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब जो बैटर है हमारा उसको हमें इसमें डालना है। तो देखिए सेंटर में ही डालेंगे, और तेल है ना इस तरीके से ऊपर इसके डालते जाएंगे। तो थोड़ी देर फ्राई होने के बाद इसे हम पलटेंगे, देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, और दूसरी साइड भी इसे सेक लेंगे। तो दोनों साइड से हमने इसको फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छे से फूला फूला सा ये नाश्ता हमारा बन के रेडी है। देखिए तो एक साइड करते हुए तेल से बाहर निकाल देंगे। तो ना आप है ना इस तरीके से एक एक करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें ना तो एक साथ ज़्यादा भी डाल सकते हो इसको। तो देखिए इस तरीके से, अगर चौड़ी साइज का बर्तन है तो एक साथ आपके ढेर सारे आ सकते हैं। तो बस इसे फ्राई होने देना है, तेल इस तरीके से ऊपर हल्के से हमें डालते जाना है। तो इसको भी हमने दोनों साइड से अलटते पलटते फ्राई कर लिया है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, तो तेल से बाहर निकाल देंगे, और इसी तरीके से सभी को हमें बना लेना है।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मजेदार सा नाश्ता बनकर रेडी हो गया। देखा आपने कितना बढ़िया सा बना है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ जो ये हमने चटनी बनाई है ना, ये तो और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको किसी भी नाश्ते के साथ खा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी जरा से पसंद आई तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि रेसिपी कैसे लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू।